ये कम्बो मदरबोर्ड ये 24 इंच एलईडी टीवी के यूज के लिए आया है, और इसमें एक कॉमन फॉल्ट होता है जो कि हम अभी इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, इसके जो कोड है, फैक्ट्री कोड हुआ या रेगुलेशन कोड हुआ, सब कुछ इस पे लिखा हुआ है। अब आ जाइए यहाँ पर दिखाते हैं इसके नंबर, यानी इसके मदरबोर्ड के नंबर भी होते हैं, यानी सब जितने भी नंबर होते हैं सबके अलग अलग जो है इसके कोड होते हैं, चाहे फैक्ट्री कोड हो चाहे रेजुलेशन हो। तो यहाँ पे आपको हम दिखा दें, ये मैंने सेंसर का कनेक्शन किया है जो कि ये रिमोट को ऑपरेट करने के लिए मैंने लगाया है डायरेक्ट, और इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से मैंने जो है इसके सेंसर के लेग को जोड़ा है। ये है इसके फैक्ट्री कोड। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, यानी जब हम यहाँ पर लगाते हैं तो इसमें लगाने के बाद देखिए ऐसे डिस्प्ले आया ऑन करने पर। अब वहाँ पर टेक्सला लिखा हुआ है, अब टेक्सला लिखने के बाद अब ये जो डिस्प्ले आया उल्टा हो गया, यानी वर्टिकल में जैसे इधर लिखा हुआ तो इसको उल्टा होना चाहिए, यानी मिरर ऑप्शन इसमें, ये इसको मिरर प्रॉब्लम बोलते हैं। अब इसको हम सीधा कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए फैक्ट्री का जो है कोड लिखा हुआ है, जिससे हम इसके फैक्ट्री कोड से इंटर होंगे। अब हम रिमोट से इसका पहले मीनू, फिर सोर्स, फिर 208 प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद ये देखिए हमारा सर्विस मेनू ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम पैनल की सेटिंग में जाएंगे। अभी देखिए एक सेकंड, यहाँ पे पैनल दूसरे नंबर पे ऐसे इसको इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अब पैनल का ये पूरा डेटा खुल गया। यहाँ पर देखें, ये सबसे नीचे ऑप्शन में जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे नीचे लिखा हुआ फ्लिप, ये ऑफ कंडीशन में है, इसे H+V के ऑप्शन में कर देंगे। और अभी देखिए H+V के ऑप्शन में करने के बाद इंटर करते हैं, और इंटर करने के बाद ये देखिए ये गायब हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इसमें प्रॉब्लम आया कि पहले हम इसको स्टोर यानी सेव नहीं कर पाए, और उसके पहले ये हल्का सा प्रेस हुआ, यानी ये रिमोट के प्रॉब्लम या उससे जो है गायब हो गया मिसिंग से। अब देखिए फिर से इंटर करते हैं वही चीज़ें, पहले हम इसका मेनू, फिर सोर्स, फिर 208 प्रेस करेंगे रिमोट से। रिमोट से प्रेस करने के बाद नीचे आएंगे फ्लिप मोड पे, जो ऑफ कंडीशन है उसे हम जो है H+V पे करके, और देखिए ध्यान से फिर इसे जो है मीनू दबाएंगे। मीनू दबाने के बाद यहाँ पर देखिए ओके आया है। ठीक है, ये अब हम ओके को फिर से इंटर करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। अब ये अभी सीधा हो जाएगा, जहाँ पे टेक्सला लिखा हुआ है उसी तरीके से ये इसका डिस्प्ले पूरा उसी तरीके से सही कंडीशन में आ जाएगा। ये देखिए इधर आ गया। ठीक, अब ये इसका ओके पोजिशन है। तो इसी तरीके से एक छोटा सा ये प्रॉब्लम था कि मैंने देखा कि ये प्रॉब्लम है, तो इस पे मैंने एक वीडियो बना दिया।